नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सतवास, तहसील सतवास के कांचाफोड़ में अखिल भारतीय गायत्री परिवार के सानिध्य में समाज सेवी और धर्म प्रेमी पुरुषोत्तम परमार के जुड़वा पोता एवं पोती का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज परमार वंश की सुकुमार एवं सुकुमारी का प्रथम जन्म दिवस था। इसके उपलक्ष्य में परमार परिवार के द्वारा माँ गायत्री के मंदिर के लिए भूमिदान की गयी। वही गायत्री परिवार से पधारे गायत्री परिवार के परिजन पंडित राजेश जी व्यास, मुख्य ट्रस्टी रविशंकर राठौर, परिवार जग जय नारायण यादव, राजीव नाइक द्वारा पूजन पाठ एवं हवन करके नवजात शिशुओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया। गायत्री परिवार के सदस्य ने इस अनूठी बेला में गायत्री परिवार के द्वारा कार्यों की गिनती करवाई। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार लगभग 40 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। वहीं पूर्व के समय में खातेगांव क्षेत्र में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए, जो आज बड़े होकर लहला रहे हैं। इस प्रकार गायत्री परिवार नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। सभी हिंदू समाजजनों को अपने जन्म उत्सव पर कुछ न कुछ पर्यावरण हित में या समाज हित में कुछ नया करना चाहिए। वहीं पुरुषोत्तम परमार ने अपने पुत्र शुभम एवं पुत्र वधु साधना को प्रतिवर्ष अनुसार इस प्रकार के कार्य करने के लिए कहा एवं आने वाली पीढ़ी को भी संबोधित किया। वहीं आज स्नेह भोज भी रखा गया, जिसमें कई समाज जन इकट्ठा हुए एवं बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। संध्या की परमार का आज जन्मदिवस है। निवेदन करूंगा बातें न करें, केवल 5 मिनट का समय बताया। साथ ही आदरणीय पुरुषोत्तम जी परमार के पुत्र शुभम जी और साधना इनके पुत्र और पुत्री दोनों का चिरंजीव वेद और वाल्मीका का आज प्रथम जन्मदिवस है। बड़े ही हर्ष की बेला है कि जहां लोग आज के जमाने में जन्मदिवस संस्कार को बड़े केक काट कर और धूमधाम से मनाते हैं, वही हमारे संत परमा जी ने आध्यात्मिक रूप से जन्मदिवस मनाने का फैसला किया है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे परमा जी का स्वागत करें। हमारी भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से जन्मदिवस मनाया जाता है वो गायत्री परिवार ने सिखाया है। हम दीप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से जन्मदिवस को मनाएं, विवाह दिवस को मनाएं, यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार भारत सहित 40 देशों में अपना कार्य कर रहा है। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का आगमन। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जो भारतीय संस्कृति इतनी परंपराएं हैं उन सभी का निर्वहन गायत्री परिवार 100 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा है। जहाँ हम नशा मुक्ति कार्यक्रम की बात करते हैं, वहीं वृक्षारोपण की बात भी करते हैं। लगातार गायत्री परिवार प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष लगा रहा है। हमने खातेगांव में उलम्बा की टेकरी पर 1000 वृक्ष एक साथ एक दिन में लगाए थे 2018 में। सारे वृक्ष बड़े हो गए हैं और कम से कम 8 से 10 को ऊँचे ले चुके हैं। इस प्रकार से खातेगांव में हमने वहाँ पर गलोरा में माता जी की पहाड़ी पे 1100 वृक्ष 2014 में लगाए थे, अब सब बड़े बड़े हो गए हैं। इस प्रकार से हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। आप भी अपने जन्मदिवस पर, विवाह दिवस पर अपने पितरों की स्मृति में वृक्षारोपण अवश्य करें। साथ ही गायत्री परिवार यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करता है। गायत्री परिवार नशा मुक्ति की बात करता है। गायत्री परिवार परिवार में जब भी कोई खुशी की बात होती है, जैसे महिला ने बताया, अभी बहुत सारी बातें बता दी हैं, हमारे संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक के हम निःशुल्क कराते हैं। आप भी गायत्री परिवार से जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें। एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आज हमारे पुरुषोत्तम जी ने गायत्री परिवार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपना जो खेत हम बैठे हैं इस साइड में जो रास्ता है
वहाँ पर भूमि दान करने का संकल्प लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं तो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र बनाने के लिए भूमि का दान कर रहे हैं। आदरणीय कौशल जी आगे आए, यहाँ पर आए, आइए भाई साहब, हमारे यादव जी उनको तिलक लगा के सम्मान करें महोत्सव जी का। आज यहाँ एक एक इंच भूमि के लिए झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, लगभग आवश्यकता अनुसार भी निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन आधे एकड़ से एक एकड़ भी जो भी उनका श्रद्धा होगी वो तो भूमि दान करने का उन्होंने संकल्प लिया है। मैं भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव परमंदिर माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सर्वमान सारी मनोकामना पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगातार प्रभु का कार्य करते रहें, यही निवेदन है। आइए भाई साहब का चंद्र लगा के स्वागत करें, मंगल तिलक करें भाई साहब। ओम स्वस्तिना इंद्रो व्रत सर्वाः स्वस्तिना भूखा विषवीदाः स्वस्तिनस्तरक्षो हरिष्टनेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर् दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनानमृत्योर्मोक्षीयमामृत। सत्वास से खबर समय जगत के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.